हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अगेन यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आज का सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं नेम्ड एज की टू सक्सेस। की टू सक्सेस ये वो की है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, और इसमें हम आपको कंपाइल करके देंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स इजीली, जिसे आप रिवाइज करके किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करने जाते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना होता है, तो उसके लिए क्विक स्लाइड्स, अ क्विक कंपाइलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और उसी सीरीज में आज हमारे पास फर्स्ट की टू सक्सेस मिलेगा आपको, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर मिलता है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वेलोसिटी वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर होता है, और एक्सेलरेशन y एक्सिस पर और टाइम x एक्सिस पर दिया होता है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देकर आपसे वेलोसिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देकर आपके एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बने और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बहुत ही क्विकली आप इसको याद रख पाएंगे और क्विकली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह कुछ भी दे रखा है और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे जितने भी टाइम के लिए बात हो रही है, और उस ग्राफ के का आप स्लोप निकाल देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। सो सिंपल। इसी तरह से अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए। इसे आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आप याद रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का बड़ा भाई एक्सेलरेशन, इसी ऑर्डर में याद रखिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए स्लोप निकालिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए स्लोप निकाल लीजिए। और अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स वापस आ जाएंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो उस कंडीशन में एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दे रखा है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम का, तो उस ग्राफ के लिए भी आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और यहां पर आपको बता भी देते हैं यूनिट्स, आप यूनिट से वेरीफाई भी कर सकते हो और रिजल्ट की यूनिट भी बता सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है, इसी तरह से यहां पे भी ऐसा यूनिट, अगर ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम है सेकंड्स में, स्लोप का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट आपको लेने होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, दोनों का डिफरेंस y एक्सिस पर y2 minus y1 upon x एक्सिस पर x2 minus x1। यहां पर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो s2 minus s1 upon t2 minus t1 हो जाएगा स्लोप। और s2 minus s1 एक डिस्प्लेसमेंट में से दूसरे डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे मीटर में आएगा, टाइम में से टाइम माइनस करेंगे सेकंड में आएगा, तो आंसर है मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी मिल गया। इसी तरह से आप इसके स्लोप की बात करिएगा, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1,
और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, टाइम होता है सेकंड में। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट क्या मिल जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन आ गया और ये आपके पास प्रूफ भी हो गया। इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो कोई अलग क्वांटिटी मिल जाएगी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बात करते हैं एरिया की, तो एरिया में होता है दोनों का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड दैट विल गिव यू वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज अ सिंपल ट्रिक, और आपके लिए एग्जाम्स के लिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप जेई का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दीजिए, और कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना है तो एक शॉर्ट टाइम के लिए क्विकली आप इसको रिवाइज करके सीख सकते हैं। सो दिस इज आवर की टू सक्सेस पार्ट वन, और अब आपको नेक्स्ट की टू सक्सेस, अगर यह आपको अच्छा लगेगा तो आपके लिए सेकेंड सीरीज, और ये पूरी एक सीरीज बनाएंगे पूरे फिजिक्स की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जितने भी पॉसिबल है, और आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। प्लीज देखते रहिए, जुड़े रहिए, सेफ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।